तो वहीं उप संभाग परिवहन विभाग ने वाहनों पर बकाया धनराशि में नियमानुसार छूट प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्ति करने में सफलता हासिल की है। इसी क्रम में उप संभाग परिवहन विभाग ने राजस्व प्राप्ति में पिछले महीने की तुलना में इस बार 25% और पिछले वर्ष की तुलना में फरवरी 2024 तक 12% की बढ़ोतरी करते हुए लगभग 7 करोड़ की बकाया वसूली की है, जिसमें से आरसी के 305 मामलों में से 184 मामलों में 1,17,864 रुपए वसूला गया है। इसके साथ ही नोटिस के 5,449 मामलों में 7,54,54,296 रुपए बकाया वसूला है, जिसमें कोविड के दौरान या आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए टैक्स की पेनल्टी में छूट प्रदान करते हुए टैक्स जमा किया जा रहा है। लगातार बकायेदारों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल जो राजस्व के क्षेत्र में जो हल्द्वानी क्षेत्र का उपसंभाग का है, तो कुल राजस्व प्राप्तियों में मासिक के हिसाब से हम अगर चलें तो पिछले साल इस माह में जितनी धनराशि प्राप्त हुई थी उससे 25% बढ़ के आई है, और एनुअल में अगर चलें तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर अब तक, यानी कि फाइनेंशियल जो मंथ हमारा गया है फरवरी का, तो फरवरी तक हमने इसमें लगभग 12% की बढ़ोतरी कर रखी है एनुअल में। और जहां तक आप बकाया की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य के सापेक्ष हम लोग अभी तक लगभग 90% की वसूली कर चुके हैं, और बकाया में इस फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2023 से लेकर अब तक बकाया जो धनराशि वसूली गई है वो 6,93,01,962 रुपये की है। तो लगभग 7 करोड़ के करीब हम लोगों ने अब तक बकाया से वसूली कर ली है, जिसमें कि कुल जो आरसी भेजी जाती है, आरसी भेजी गई है वो 305 मामले भेजे गए हैं आरसी के। उस 305 मामलों में 184 मामलों में हम लोगों ने लगभग 1,17,12,864 रुपये वसूला गया है, और जो 5,459 मामले हैं ये हैं नोटिस के मामले, तो इनसे हम लोगों ने अब तक लगभग 7,54,55,55,296 रुपये वसूला है। तो कुल इसमें अच्छी खासी हमारी बढ़ोतरी हुई है बकाया राजस्व की वसूली में, और इसमें हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अधिकतर जो कोविड से लेकर अभी तक के जो मामले आए हैं और जो भी टैक्स लाइबिलिटी वाले जो मामले बनते हैं उसमें हम अधिक से अधिक जो हमें अधिकार प्राप्त है पेनाल्टी में, तो पेनाल्टी में हम वाजिब कारणों की वजह से उस व्यक्ति को हम छूट दे देते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से फिर हमारे ऑफिस में वो टैक्स जमा कर देता है। जैसे कि कभी मामले ऐसे आते हैं कि जिसमें टैक्स 50,000 का बन गया लेकिन 20-22,000 या 25,000 उसका पेनल्टी अगर पड़ जाती है तो वो अगर पैसे का इंतजाम नहीं कर पाता है, तो उसमें हम वन टाइम 75% तक की पेनल्टी, अप टू 75% की पेनल्टी, किसी को 25%, किसी को 50%, किसी को 60%, और मैक्सिमम हम 75% की पेनल्टी दे देते हैं।